ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विश्वास मत हासिल करने से पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ने से लेकर एनडीए में आने तक की तमाम वजहें बताई। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे शिक्षा विभाग के कामों को रोकने की कोशिश हो रही थी। इतना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, आज जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है? अगर इतिहास जानो, पांच के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोकते थे और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं तो सभी 6 पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया, हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को, बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन 2 को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम के जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे। तो कुछ हुआ जी? कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको, उनको हमसे तकलीफ था। और हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे, और फिर हम लोगों के पार्टी के और इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया? हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा,